के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कौवे को खिला दें ये चीज़, इससे आपका भाग्योदय होगा, पितृ मुदित और प्रसन्न होंगे और आपके घर की हर बाधा दूर होगी, घर में पैसे का संकट भी समाप्त होगे, घर में पैसे का आगमन होगा, घर के लोग फलेंगे फूलेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ आपको और आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। मित्रों, यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी जरूर दबाइए। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। कुंडली नहीं है तो आप अपने मकान का नक्शा दिखा सकते हैं, आप अपनी फेस रीडिंग करवा सकते हैं, आप इसके अलावा अपने हाथों के प्रिंट भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है और इसके द्वारा आप अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और आज आपको बताते हैं कि कौवे को ऐसी क्या चीज़ खिलानी है। वैसे तो कौवे को जो भी पितरों के लिए सामग्री निकाली जाती है वो अर्पित की जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो यदि आपने खिला दी कौवे को, तो समझ लेना कि सिर्फ उस एक चीज़ को खिलाने मात्र से ही आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आपका कल्याण जरूर करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और ये चैनल आप इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आपका प्यार ही है कि ये चैनल दिनों दिन इतना ग्रो कर रहा है। आप मेरी पुरानी वीडियो का भी आनंद लीजिए, 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं और उनके लिए आप डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, उससे आपके सामने सारी वीडियो आ जाएंगी और उनमें अलग अलग टॉपिक मैंने दिए हुए हैं। वो टॉपिक जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितने ओरिजिनल बातों को उठाया है और उससे इंस्पायर्ड होकर बहुत से लोग तरह तरह की वीडियो बनाते हैं। मित्रों, मैंने बहुत से वीडियो ऐसे बनाए हैं जो आपका कल्याण करने में सक्षम है। तो बिना देरी किए मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मेरे दूसरे चैनल किताबी कीड़ा को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि कौवे को क्या खिलाना है जिससे कि जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाए और धन की वर्षा यूँ होने लग जाए, चुटकी बजा के यूँ होने लग जाएगी। मित्रों, वास्तव में आपको जौ का आटा लेना है और उसके 16 पिंड बनाने हैं। 16 पिंडों में से आपको गाय को, कुत्ते को, इनको खिला देने हैं, लेकिन 4 जो पिंड हैं वो आपको खिलाने हैं कौवे को। और कोशिश करें कि कौवा खाए, ज़्यादा बड़े छोटे की बात नहीं है। 4 पिंड आप बना लीजिए और जौ का आटा होना ज़रूरी है, तो वो आप कौवे को खिला दीजिए। साथ में आप पितरों के नाम का स्मरण करिए, पितरों के नाम की एक माला जपिए। जिस पितर के निमित्त आप उस दिन श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन भी आप खिला सकते हैं और उन पितरों का नाम जरूर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर के जो सारे दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे और बहुत ही कम राशि का ये खर्चा है। कई बार बहुत बड़े चौड़े अनुष्ठान करने होते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही साधारण तरीके से आप ये काम करिए। बस कौवा वो खा जरूर ले, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक ही कौवा खाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कौवे को जब आप खिलाएंगे तो और कौवे भी आ सकते हैं, तो इसमें परेशान ना हो। कुल मिला के कौवा को आपको खिलाना है और आप जानते हैं कि एक दिन सबका आता है। तो श्राद्धों कौवे को पूरे साल कोई नहीं पूछता, लेकिन श्राद्धों में कौवे को बहुत ही मनाया जाता है, कौवे को ढूंढा जाता है, कौवे को आदर और सम्मान दिया जाता है। तो इससे प्रेरणा क्या मिलती है? इससे प्रेरणा ये मिलती है कि कोई भी मनुष्य जिसका कोई काम नहीं हो रहा वो कभी निराश ना हो, वो इस बात पर अडिग रहे कि एक दिन उसका जरूर आएगा। तो कौवे की सेवा करने से बहुत फ़ायदा होता है। श्राद्ध पक्ष के अलावा भी शुक्रवार के दिन जो मनुष्य कौवे को खीर खिलाता है या चावल के अंदर वो बूरा डाल के और घी डालकर दोने में रख के कौवे को खिलाता है, उसका शुक्र ग्रह उसको हमेशा ही माला माल करता है और उसके घर में बहुत पैसा आता है। तो ये काम आप आगे भी कर सकते हैं शुक्रवार को कौवे को खिलाने वाला, लेकिन तब आपका प्रयोजन अलग होगा और अभी आप पितरों के निमित्त करेंगे जो भी काम करेंगे। तो इसलिए पितरों का आशीर्वाद लीजिए, बाद में कौवे को खिला के शुक्र की कृपा आप पर बरसेगी। तो कुल मिला के कौवे को कुछ भी आप खिलाते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। और एक चीज़ और बोल दूँ कौवे के बारे में, और ये कहा गया है कि जो कौवा होता है वो और कोयल एक जैसे दिखते हैं, काले दिखते हैं ना दोनों, लेकिन जब वाणी खुलती है, जब जुबान खुलती है तो पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। ये किसी विद्वान ने अपने काव्य में कहा है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो उसी प्रकार से मनुष्य सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जब उसकी जिह्वा खुलती है तो पता चल जाता है कि वो कितना संस्कारी है और जो दूसरा है वो कितना संस्कारी नहीं है। तो यही चीज़ है कि अपने संस्कारों को बनाए रखें, अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखें और जीवन में सफलता को प्राप्त करें। हमारे जीवन में छोटे छोटे जीव जंतु भी हमें कुछ सिखाते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, तो हमें हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन को गति मिलती है और जीवन को गति मिलने से मनुष्य को सदगति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।